नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल्स आइसक्रीम के फाउंडर मिस्टर रघुनंदन कामत के बारे में। तो आज की केस स्टडी उस इंसान की है जो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और जो बस 9वीं पास है। बचपन में वो अपने भाई के होटल में कप्स और थालियां धोने का काम करते थे, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आगे चलकर वो एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बने। तो आज हम उनकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे ताकि हम सब उनसे बहुत कुछ सीख सके। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर रघुनंदन कामत का जन्म कर्नाटका के मुल्की विलेज में 1954 में हुआ। मुल्की एक विलेज था और वहाँ पर स्कूल्स वगैरह नहीं थे। गांव में दो टीचर्स आते थे जो गांव के जो 40-50 बच्चे हैं उन सभी को एक साथ पढ़ाते थे। अब वो जो 40-50 बच्चे थे वो अलग अलग एज ग्रुप के होते थे और अलग अलग कक्षाओं के होते थे, कोई थर्ड स्टैंडर्ड का तो कोई फिफ्थ स्टैंडर्ड का। तो ये दोनों ही टीचर सबको एक साथ बिठाकर ही सिखाते थे। अगर वो फिफ्थ स्टैंडर्ड का लेसन बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो उस लेसन को सबको सिखाते थे, फिर चाहे वो थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा हो या फिर सेकंड स्टैंडर्ड का। तो इस तरह उनकी एजुकेशन चलती रही। शुरुआत से ही पढ़ाई में उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इंग्लिश सब्जेक्ट में वो बार बार फेल होते रहते थे। पढ़ने के लिए उन टीचर्स के पास जाना भी उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए बचपन में उनका ज़्यादातर टाइम बचपन में इधर उधर घूमने में ही चला गया। सेवन स्टैंडर्ड में भी वो दो बार फेल हो गए। उनके पिता एक फ्रूट सेलर थे तो काफ़ी सारा टाइम वो उनके साथ बिताते थे। जब वो 14 साल के थे तब वो और उनकी पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक थी, इसलिए वो मुंबई के एक 12x12 के रूम में रहते थे। जब उनकी फैमिली मुंबई आई तब रघुनंदन को पहली बार चप्पल पहनने मिली, तो कुछ इस तरह की उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी। मुंबई आने के बाद रघुनंदन के जो भाई है उन्होंने एक रेस्टोरेंट शुरू किया। वही रघुनंदन के पेरेंट्स ने उनकी वहाँ के कन्नड़ा मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दी। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े, लेकिन रघुनंदन को तो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो 10th स्टैंडर्ड में भी दो बार फेल हो गए, जिसके बाद उस स्कूल ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। स्कूल में फेल होने के बाद रघुनंदन के पेरेंट्स ने उनसे कहा कि तुम अपने भाइयों के रेस्टोरेंट में जाओ और उनकी मदद करो। रघुनंदन के जो भाई थे उन्होंने मुंबई के सेंटा क्रूज में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट शुरू किया था जिसका नाम था गोकुल रिफ्रेशमेंट्स, जहाँ पर वो साउथ इंडियन फूड और आइसक्रीम बेचते थे। तो रघुनंदन के भाई रघुनंदन से छोटा मोटा काम करवाते थे, जैसे कि डिशेज साफ करना, जो उनके साउथ इंडियन फूड के साथ आइसक्रीम का काम था तो उस आइसक्रीम वाले पार्ट को हैंडल करना एटसेट्रा। जो आइसक्रीम का बिजनेस था उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और उससे रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ भी उनके दिमाग में आने लगी। जब भी कोई आइडिया आए तो वो उसे बताने के लिए अपने भाइयों के पास जाने लगे, लेकिन उनके भाई उनकी कोई भी आइडिया को नहीं सुनते थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कस्टमर साउथ इंडियन खाने से ज़्यादा आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे हैं। उनका आइसक्रीम वो घर पे ही बनाते थे। हालांकि उनके होटल का जो आइसक्रीम पार्ट था वो काफ़ी छोटा था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आइसक्रीम ही पसंद आ रहा था। खुद रघुनंदन को भी आइसक्रीम काफ़ी पसंद था। तो कस्टमर्स के रिएक्शन को देखते हुए उन्होंने सोचा कि आगे चलकर हमें ऐसा ही होममेड आइसक्रीम बनाना चाहिए जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर ना हो, वो बस शुगर, मिल्क और फ्रूट से बना हो। तब उनके आइडिया को हालांकि किसी ने नहीं सुना, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि जब भी सही टाइम और अपॉर्चुनिटी आएगी वो ज़रूर इस बिज़नेस में एंटर करेंगे। आगे चलकर उनके भाइयों का ध्यान रेस्टोरेंट से हटने लगा और वो रेस्टोरेंट लॉस में जाने लगा, जिसके बाद उन सारे भाइयों में बंटवारा हुआ और कुछ पैसा रघुनंदन के भी हिस्से में आया। जब वो पैसा रघुनंदन के पास आया तब रघुनंदन के दिमाग में आइडिया क्लियर थी, तो उसे उस पैसों से एक आइसक्रीम पार्लर शुरू करना है। लेकिन जब वो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने लगे तब उन्हें लगा कि जो कैपिटल उनके पास है उतना सफिशियंट नहीं है, उन्हें अपने काम को शुरू करने के लिए और भी कैपिटल लगेगा। तो उस टाइम उनकी वाइफ ने उन्हें इनकरेज किया कि उन्हें अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए अपने दोस्तों और रिलेटिव से कुछ पैसा बोरो करना चाहिए, यानी उधार लेना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ पैसा अपने दोस्तों से उधार लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उस जमाने में आज हम जैसे आइसक्रीम पार्लर्स देखते हैं वैसे आइसक्रीम पार्लर्स नहीं होते थे, क्योंकि तब आइसक्रीम को एक लग्जरी प्रोडक्ट की तरह माना जाता था और उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रहती थी। इसलिए तब ज़्यादातर लोग आइसक्रीम की बजाय कुल्फी पसंद करते थे, और इसीलिए कोई डेडिकेटेड आइसक्रीम पार्लर नहीं होता था, क्योंकि आइसक्रीम खाने वाले लोग ही बहुत कम हुआ करते थे। अगर मुंबई की बात की जाए तो पूरे मुंबई में उस टाइम बस एक ही आइसक्रीम पार्लर था। लेकिन इस रियलिटी के बावजूद भी रघुनंदन ने सोचा कि वो एक डेडिकेटेड आइसक्रीम पार्लर ही शुरू करेंगे। उन्हें यह भी पता था कि अगर मुझे आइसक्रीम पार्लर शुरू करना है तो उसके लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि तब आइसक्रीम ज़्यादातर रिच लोग ही खाते थे। इसलिए उन्होंने अपने आइसक्रीम पार्लर की लोकेशन जुहू रखी, जहाँ पर कई सारे रिच लोग और सेलिब्रिटीज़ रहते थे। तो 1984 में उन्होंने जुहू में अपना पहला आइसक्रीम पार्लर शुरू किया। उस टाइम वो आइसक्रीम के साथ ही पाव भाजी भी बेचते थे, ताकि अगर आइसक्रीम चला ही नहीं तो कम से कम पाव भाजी से उनके सारे खर्चे निकल जाए। उस टाइम उनका स्टाफ काफ़ी कम था और पाव भाजी के लिए जो चीज़ें लगती है, जो मसाला लगता है, उन्हें उनकी वाइफ मैनेज करती थी। शुरुआत में उन्होंने 5 फ्लेवर्स लॉन्च किए, सीताफल, काजू द्राक्ष, मैंगो, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। पहले साल में उन्होंने करीब 1 से 1.5 लाख का रेवेन्यू कमाया, लेकिन अपनी इस परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ आइसक्रीम पर फोकस करने के बारे में सोचा और पाव भाजी बंद कर दी। एक्चुअली ये डिसीजन काफ़ी रिस्की था, लेकिन मिस्टर रघुनंदन कामत शुरुआत से ही आइसक्रीम पर बुलिश थे।
और इसीलिए उन्होंने सिंगल थ्रेडेड स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के बारे में सोचा, यानी सिर्फ एक चीज पर फोकस। आगे चल के बहुत सारे लोग और सेलिब्रिटीज उनके आइसक्रीम के फैन बन गए। विवियन रिचर्ड्स, जया बच्चन, डिंपल कपाड़िया, ये लोग तो उनके आइसक्रीम के काफी बड़े फैन हो गए। इवन वेस्ट इंडियन क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड ने तो एक बार एक टेलीविजन शो में ही नेचुरल के आइसक्रीम के बारे में बताया कि उनका आइसक्रीम कितना अच्छा होता है और कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं और उन्हें कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। उन्होंने स्पेशली सब लोगों को बताया कि वहाँ का चिकू फ्लेवर और कस्टर्ड एप्पल फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। जो कस्टमर्स उनके आइसक्रीम खाने आते थे वो साथ में फीडबैक भी दे जाते थे, कुछ लोग तो उन्हें बिजनेस टिप्स भी दे जाते थे, और मिस्टर रघुनंदन कामत उन सारे फीडबैक्स को बड़े पॉजिटिवली लेते थे। कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि वो इस देश में जाकर आए हैं, उस देश में जाकर आए हैं, और वहाँ पर उन्होंने ये फ्लेवर ट्राई किया जो कि काफ़ी अच्छा था, तो आप भी ये फ्लेवर ज़रूर लाइए। तो ऐसे फीडबैक पर काम करके उन्होंने अलग अलग फ्लेवर्स लाए, जैसे कि मस्क मेलन। वो कस्टमर्स के जो भी सजेशंस हैं उन्हें नोट डाउन करते थे और ट्राई करते थे कि जल्द से जल्द उन्हें अप्लाई किया जाए। वो ये मानते हैं कि कस्टमर्स बेस्ट टीचर्स होते हैं। तो अब तक की इस जर्नी में कस्टमर फीडबैक उनके लिए अब तक बहुत काम कर गया है। कई सारे फ्लेवर्स जो कस्टमर ने सजेस्ट किए हैं वो आज उनके टॉप सेलिंग फ्लेवर्स में आते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उनका बिजनेस अच्छे से बढ़ रहा था, उसी बीच उनके एक फैमिली मेंबर ने उसी एरिया में अपना खुद का आइसक्रीम पार्लर शुरू किया। अब उस मेंबर को सारी रेसिपीज के बारे में पता था, तो वो सेम आइसक्रीम वहां जाकर बनाने लगा, जिसके बाद मिस्टर कामत को लगा कि उन्हें अब उनके बिजनेस को एक्सपांड करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले सारस्वत बैंक से 65 लाख का लोन लिया। वो पैसा उन्होंने फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया, अपना नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ाया और ज्यादा आइसक्रीम वो वहां पर बनाने लगे। साथ ही उन्होंने बहुत सारी फ्रेंचाइजीज निकाली और मुंबई में तुरंत ही उन्होंने नेचुरल के 5 आउटलेट शुरू किए। बाद में कंपटीशन बढ़ने लगी और वाड़ीलाल, बस्किन रॉबिन जैसे ब्रांड्स अपने आइसक्रीम पार्लर खोलने लगे और वो भी नेचुरल फ्लेवर्स लाने लगे। बट डिफरेंस ये था कि उनके जो फ्लेवर्स थे वो नाम के लिए नेचुरल तो थे, लेकिन बने आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स से थे। वही नेचुरल के जो प्रोडक्ट्स थे वो कम्प्लीटली नेचुरली बने थे, उनमें मिल्क, शुगर और फ्रूट्स के अलावा और कुछ भी नहीं रहता था। इनफैक्ट अपने इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और भी अलग करने के लिए उन्होंने खुद की ही मशीन्स डेवलप करना शुरू किया, ताकि वो एक कम्पिटिटिव मोड यानी कम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड कर सके। उन्होंने फ्रूट के जो कवर्स है उसे निकालने की मशीन्स बनाई, साथ ही उनके सीड्स निकालने की मशीन्स बनाई। तो इस तरह उन्होंने सारी प्रोसेस को काफ़ी कस्टमाइज किया। वही बाकी कंपनीज इन चीज़ों के लिए रेडीमेड मशीन्स पर डिपेंड रहती है। मिस्टर कामत शुरुआत से ही क्वालिटी कंट्रोल को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते थे। मिल्क कहाँ से आएगा, फ्रूट्स कहाँ से आएंगे, ये सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती थी। वो सप्लायर्स को नहीं चेंज करते थे, जहाँ से अच्छा मिल्क मिलता है वहीं से मिल्क लेते थे। शुरुआत में वो मिल्क नासिक से मंगवाते थे, अपने सारे फ्रूट्स अपने डेडिकेटेड सप्लायर से ही खरीदते थे, और जो भी प्रोडक्ट्स बनते थे उन्हें फ्रेशली बनाते थे और 2 दिन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं रखते थे। तो इस तरह उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पर काफ़ी फोकस किया। आगे चलकर अपने नेचुरल आइसक्रीम का मास प्रोडक्शन करने लगे। उनकी कांदीवली में जो 25,000 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी है, वहाँ पर वो मेनली अपने आइसक्रीम का प्रोडक्शन करते हैं। आज भी वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, घूमते हैं, ताकि नए फ्लेवर्स के बारे में उन्हें पता चले और नई रेसिपीज के बारे में उन्हें पता चले। अपनी इस पूरी जर्नी में उन्होंने कई सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए तो कुछ बहुत अच्छे चले। उन्होंने तो एक बार टर्मरिक फ्लेवर भी लॉन्च किया था। जहाँ तक मार्केटिंग की बात है तो मार्केटिंग के लिए वो बहुत ही कम पैसा खर्च करते हैं। उनके टोटल रेवेन्यू का 1% से कम पैसा मार्केटिंग पर जाता है। मेनली उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ से होती है, यानी जो लोग उनके आइसक्रीम की टेस्ट करते हैं वो बाकी लोगों को भी उसके बारे में बताते हैं, और इसी तरह वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होने लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेचुरल आइसक्रीम की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की जो कनेक्टिंग द डॉट्स की थियरी है, वो मिस्टर रघुनंदन कामत के लाइफ में बहुत अच्छे से अप्लाई हुई है। उनके पिता एक फ्रूट वेंडर थे, तो उनसे उन्हें ये पता चला कि अच्छे फ्रूट्स को कैसे पहचानना है, उन्हें कब यूज़ करना है, कैसे स्टोर करना है, एटसेट्रा। उनकी माँ एक बहुत अच्छी कुक थी जो कई सारी अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करती थी, तो उन ट्रिक्स का इस्तेमाल उन्होंने अपने नेचुरल आइसक्रीम की रेसिपी में किया। और जब वो अपने भाई के रेस्टोरेंट में सेंटा क्रूज में काम करते थे, तब उन्होंने अपने भाई से सीख लिया था कि अच्छा आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। तो इन डॉट्स को कनेक्ट करते करते नेचुरल आइसक्रीम की रेसिपी बनी है, जो आज बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पहले साल उनका रेवेन्यू 1 से 1.5 लाख था, जो 2009 तक 30 करोड़ आ गया, देन 2011-12 में 40 करोड़ हो गया, और फिलहाल करीब 200 करोड़ है। आज उनके 135 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं, जो कि मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में हैं। 100 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ वो सर्व करते हैं, जिसमें से 20 फ्लेवर्स थ्रू आउट द ईयर आपको मिलते हैं। आज वो डेली 20 टन आइसक्रीम बनाते हैं और उसे बेचते भी हैं। अपनी इस आइसक्रीम टेस्ट के अलावा कंज्यूमर एक्सपीरियंस पर भी वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और KPMG ने उन्हें कंज्यूमर एक्सपीरियंस के हिसाब से टॉप 10 इंडियन ब्रांड्स में इंक्लूड किया था। मिस्टर कामत सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपने बिजनेस को और भी एक्सपांड कर सकते हैं, और आगे चलकर उनके सिंगापुर, श्रीलंका इन जैसी कंट्रीज में एक्सपांड करने के प्लान हैं। वो कहते हैं कि लाइफ में लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
और ये छोटी छोटी चीज़ों की लर्निंग्स ही आपको बड़ा बनने में हेल्प करती है। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि सिर्फ मगअप करके एग्जाम में आंसर मत लिखो, उसे रियल लाइफ में अप्लाई करो और हार्डवर्क करो। उनके लिए चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं थी, जैसे कि हमने देखा कि स्टार्टिंग में उनके पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने उधार लिए हुए पैसों से अपना बिजनेस शुरू किया। अपने आइसक्रीम की टेस्ट और सारी चीज़ों का वही ख्याल रखते थे, लेकिन उन्हें शुगर टू डायबिटीज़ था तो वो आइसक्रीम खाकर टेस्ट नहीं कर पाते थे। तो जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ डेवलप की थी कि आइसक्रीम का कलर, शाइन और जो लोग आइसक्रीम खा रहे हैं उनके चेहरे की रिएक्शन को देखकर वो आइसक्रीम की टेस्ट का पता करते थे। और इसी तरह उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया। आज उनके दो बेटे और कुछ फैमिली मेम्बर्स उनके इस बिजनेस को चलाते हैं। सक्सेसफुल बनने के बाद वो अपने रूट्स को कभी नहीं भूले। वो बहुत सारा पैसा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में डालते हैं। जिस स्कूल ने उन्हें 10th में दो बार फेल होने के बाद स्कूल से निकाल दिया गया था, आज वो स्कूल के सबसे बड़े डोनर हैं। मिस्टर रघुनंदन कामत की स्टोरी ने अगर आपको इंस्पायर किया है तो ज़रूर इस स्टोरी को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इनकी स्ट्रगल और सक्सेस के बारे में पता चले। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।